अब तो गंभीर हो चुका है घाव, यूपी तक पसर गए हैं पांव, कुछ लापता तो कुछ जेल में, सैकड़ों फंसे व्यापम के खेल में, यूपी में व्यापम इफेक्ट। हर दिन और भी रहस्यमयी होता जा रहा है व्यापम का रहस्य। 55 केस, 2530 आरोपी और 1980 गिरफ्तारियां। वहीं एक के बाद एक 47 लोगों की मौत के साथ इसे खूनी घोटाला भी कहा जाने लगा है। और तो और उत्तर प्रदेश में भी महसूस किया जा रहा है इसका असर। अब तो गंभीर हो चुका है घाव, यूपी तक पसर गए हैं पांव, कुछ लापता तो कुछ जेल में, सैकड़ों फंसे व्यापम के खेल में, यूपी में व्यापम इफेक्ट। दरअसल व्यापम के तार शुरू से ही उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं और गड़बड़ियों के आरोप में सूबे में कई मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को अब तक गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई छात्र तो छूट गए लेकिन कई छात्रों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। व्यापम, ये वो नाम है जो अब नाम से ही किसी महामारी के जैसा लगने लगा है। महामारी भी ऐसी कि एक के बाद एक मौत जहां सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है, वहीं सबूत के तौर पर छोड़ जाती है व्यापम से जुड़ा कोई कनेक्शन। इतना हरासमेंट किया कि वो झेल नहीं पाए हैं। कोई भी हमारे नहीं है। इस महामारी में जहां बढ़ता ही जा रहा है मौतों का आंकड़ा, वहीं इतना गंभीर हो गया है ये घाव कि दर्द की पीड़ा उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। 50 से ज्यादा छात्र आरोपी बनाए गए व्यापम में कानपुर के। टोटल 58 स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन डिफरेंट एसआईटी टीम द्वारा मांगी गई है, जिसमें रीवा, भोपाल, ग्वालियर और सागर, ये सारी टीम्स आई थी और टोटल 58 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी। व्यापम का यूपी कनेक्शन जहां कानपुर के GSVM कॉलेज से जुड़ा, तो उसी लिस्ट में लिखा गया लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम। दर्द की लकीर गहरी है प्रदेश के उस अंचल में जहां जहां व्यापम का साया पड़ा। दर्द की एक ऐसी ही लकीर सीना चीर रही है एक परिवार का। लाडला बेटा डॉक्टर बनने गया था लेकिन 2 साल से वापस नहीं लौटा। अब एक के बाद एक मौत किसी अनहोनी की आशंका से सहमा देती है। प्रभात कृष्ण शर्मा, क्या करते हैं? वो तैयारी कर रहे थे। किस चीज़ की? वो MBBS की। बाकी 2 साल से हम अपने भाई को, माता जी हमारा रोती हैं, तो उसका तकलीफ होगा हमारा तो रहती होता है। बाकी हम लोग कुछ भी हमको मानता नहीं जानता है। बाकी हम लोग जानते हैं कि कहीं 42 लड़के मरे हैं, उसमें इसका भी नहीं पता लग रहा था, कहीं हम लोग को कोई भरोसा नहीं रहेगा। क्या आरोपी और क्या गवाह, क्या प्रतियोगी और क्या पत्रकार, सैकड़ों लोगों की जिंदगी दाव पर लगी है। सियासत की गलियों में तो थम ही नहीं रहा शोर। देखिए, हम लोग सभी लोग मांग कर रहे हैं कि सीधा CBI से कराई जाए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र माननीय उच्च न्यायालय को लिखा, मैंने समझ में आया कि माननीय उच्च न्यायालय को पत्र लिखने का औचित्य क्या था। सीधे सीधे भारत सरकार को लिख देते कि मध्य प्रदेश सरकार CBI जांच चाहती। ये तो एक तरीका हुआ कि जैसे इस्तीफा गवर्नर को बिना भेज के मुख्यमंत्री को भेज दे। क्योंकि यह मामला वैधानिक दृष्टि से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देने का निर्णय लिया है कि इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को संस्तुत कर दी जाए। बहरहाल व्यापम की महामारी में अब तक 47 लोगों की मौत व्याकुल ही करती है। वहीं कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक, सब उलझे हैं व्यापम के जाल में। इसलिए सवाल यही है कि क्या यूपी में भी व्यापक हो सकता है व्यापम का दंश। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो व्यापम घोटाले के तार यूपी से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। धड़ाधड़ कई छात्रों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं कई छात्र ऐसे हैं जिनको एसटीएफ तलाश रही है लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से यूपी से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस घोटाले के, अब क्या व्यापम घोटाले का एक व्यापक असर यूपी पर भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश भी उसकी चपेट में है, जैसे कई तमाम राज्य उसकी चपेट में हैं। खासतौर पर कानपुर का गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, वहां के तमाम छात्र
एसटीएफ की रडार पर है, उसमें कुछ लोग लापता हो गए, उनके जीवन के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं, वो जिंदा है या मृत है इसकी भी जानकारी ना परिवार के पास ना मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के पास। ये दो बड़ी चिंता की बात है। लेकिन मैं आज ये बहस क्यों लेके आया, मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा कलंकित हो गया, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, शिवराज सिंह चौहान की सारी विश्वसनीयता दांव पर लग गई इस बड़े पाप के चलते। लेकिन व्यापम से हमने सबक नहीं सीखा, हर प्रदेश में अपने किस्म का व्यापम है, इस बार बड़ा इशू है। उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से लोक सेवा आयोग से संचालित परीक्षाएं और उनके परिणामों की स्थिति बनी पिछले कुछ समय से, वह भी एक नए किस्म के व्यापम की ओर इशारा करती है। हर परीक्षा अदालत में चैलेंज हुई, हर परीक्षा पर अदालत का निर्णय आया, कई व्हाइटनर लगा के अंक मैनिपुलेट कर दिए गए, बच्चे सड़क पर आए, हाहाकार हुआ। ये परिस्थिति क्यों बनी? हमने व्यापम से सबक नहीं सीखा, सरकारों ने व्यापम से सबक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो मध्य प्रदेश में अपने लिए खुद कष्ट का सामान जुटाया। ठीक, मैं सहमत हूं, शिवराज सिंह के ऊपर भरोसा लोग नहीं करेंगे। यहां पर भ्रष्ट फैक्ट्री ही भ्रष्टाचार के कच्चे माल का उत्पादन करे, वहां अच्छा प्रशासन कैसे हो सकता है? लेकिन वही परिस्थितियां दूसरे राज्यों में भी जा रही है, वही परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में आ रही है। यह चिंता का विषय है, यह व्यापम का इफेक्ट है, व्यापम जैसे घोटाले का इफेक्ट है जो तमाम राज्यों को अपनी जद में ले रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा हजारों हजार बच्चे सड़कों पर क्यों उतरे? आज अगर हम नहीं चेते तो कल हम उत्तर प्रदेश में एक नए व्यापम पर विलाप कर रहे होंगे। यह बहस इसलिए मैं लेके आया, कल हम मध्य प्रदेश की तरह से उत्तर प्रदेश के व्यापम पर विलाप करें, 85 जान की कुर्बानी के बाद उससे लाभ नहीं होगा। समय के अनुभव से सीखे और उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा व्यापम नहीं हो इसके लिए सुनिश्चितता हो, इसके लिए आज ये बहस लेके आया। पंकज तिवारी जी, क्या यूपी में भी अपने तरह का एक व्यापम चल रहा है हर चीज में, चाहे बात भर्तियों की हो उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, या फिर अगर बात की जाए एंट्रेंस की परीक्षाओं की उसमें भी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, तो क्या हर स्तर पर यूपी में भी कहीं ना कहीं एक व्यापम है, एक व्यापम घोटाला चल रहा है? निश्चित रूप से गायत्री जी, मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के व्यापम की तरह उत्तर प्रदेश में भी व्यापम अगर जांच कराई जाए तो व्यापम जैसा ही एक स्कैन इसमें भी उपलब्ध होगा। लोक सेवा आयोग का जिसको अध्यक्ष बनाया गया, गायत्री जी मैं बता दूं कि उसके ऊपर आगरा के लगभग आधे दर्जन थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है, उन्होंने जो अपना बायोडाटा दिया था उसमें जिस विद्यालय का इन्होंने जिक्र किया था कि हम मैनपुरी का एक कॉलेज है उसके प्राचार्य हैं, हाईकोर्ट ने बाकायदा इनको बर्खास्त किया है, निलंबित भी नहीं इनको बर्खास्त कर दिया है। अगर ऐसे व्यक्ति को इस सरकार जो है लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और उसके बाद जब से अनिल यादव जी चेयरमैन बने हैं लोक सेवा आयोग का, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसका विवाद न्यायालय तक न गया हो। और न्यायालय की जाने उसकी लिस्ट उठा लीजिए, छोटी बड़ी कोई परीक्षा हो, एक वर्ग विशेष, मैं उस विशेष वर्ग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस तरह रिजल्ट तैयार कर रहे हैं उससे इनके ऊपर व्यापम जैसे एक बड़े घोटाले की वो उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। जी हरीश श्रीवास्तव जी, यूपी में भी कोई भी भर्ती हो, सरकारी भर्ती, उसको कोर्ट में जाना पड़ता है? अगर बात की जाए परीक्षाओं की, रिजल्ट सामने आते हैं उसके बाद पूरी की पूरी परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, वो कोर्ट तक पहुंच रही हैं, आपको लगता है कि हमने व्यापम से कहीं कोई सबक नहीं लिया? यूपी में भी हर भर्ती चैलेंज हो रही है, हर परीक्षा चैलेंज हो रही है। गायत्री जी बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश में तो ये सारी नियुक्तियां, सारे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए वो भ्रष्टाचार के पूरी तरह से जद में है। आपने पुलिस भर्ती में देखा, और
पीसीएस ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी नियुक्तियों को लेकर के या शिक्षा आयोग उच्च शिक्षा आयोग में जो नियुक्तियां हुई उनको लेकर के जितने तरह के विवाद खड़े हुए इन बोर्डों के जो चेयरमैन बनाए गए उनकी वो अर्हता नहीं है कि वो प्रिंसिपल की इंटरव्यू ले सके और वो आयोग के चेयरमैन बने हैं। इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह के चेयरमैन आप देख लीजिए आजादी के बाद से कि किस मेरिट के लोग बनाए गए। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, बड़े बड़े डिग्निफाइड लोग हुआ करते थे जिनकी योग्यता क्षमता इस तरह की होती थी। आज कारण यही है जो भ्रष्टाचार पे सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। मुख्यमंत्री और आला अधिकारी चाहे जो बयान दे रहे हो लेकिन भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण तो यही है कि जो आपने फसल बोई है जिस तरह की चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं जिस तरह की चीजों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं वही फसल आप काटने को मिल रही है। ठीक है, तो आज अगर मेरिट के लोग नहीं आएंगे तो उनकी इंटीग्रिटी जो पैसा दे करके पैसा कमाने की दृष्टि से नियुक्ति ले रहा है जो वो तो आते ही शुरू कर देता है खेल उसका। ठीक है ठीक, तो ये सारी चीजें जितनी भी उत्तर प्रदेश में हो रही है उसमें भी जात के साथ साथ पैसे की का बड़ा भारी खेल है और इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। आपने भी ये पूरा मसला देखा, कई चीजें बेनकाब हुई व्यापम घोटाले के बाद। आपको लगता है कि यूपी में भी किसी ना किसी स्तर पर इस तरीके से ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस तरीके से जिस तरीके से हम देखें कि सरकारी नौकरियों में भर्ती चैलेंज हो रही है, परीक्षाओं में कहीं ना कहीं धांधली की बात सामने आ रही है, वो कोर्ट तक पहुंच रही है। मैडम, मैं खुद पदवी छात्र संघ समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं 6 जुलाई 2013 से लगातार कंटिन्यू मैं आयोग की परीक्षाओं पे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा चयन बोर्ड, दरोगा और पुलिस पे मैंने 37 रिट की है, 37 रिट पदवी छात्र संघ समिति ने किया है। जी। आपको बता दूं कि ये जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अभी 3 अध्यक्ष और 2 मेंबरों को हटाया गया है, मेरी समिति के श्री अभिलाषा मिश्रा के आधार पे माननीय अनु टंडन जी और ए के मिश्रा जी ने सुनाया है फैसला। तो आप जो कह रही हैं मैं उसका सहमत हूं और मैं ये कह रहा हूं कि व्यापम तो एक छोटा मामला है, उत्तर प्रदेश में व्यापक मामला है। यहाँ वहां अगर 10 लाख लोग प्रभावित होंगे तो यहाँ 50 लोग प्रभावित हैं और सब लोग हाय हाय कर रहे हैं। और मैं आज यहाँ बैठा हूँ स्टूडियो में आपसे बता दूं कि 15 अप्रैल 2012 को हम लोग सॉरी 15 को हम लोगों ने एक 15,000 लड़कों के साथ सड़क पर उतरे थे, मेरे पर मुझ पर 46 तक लगा, 37 बार हम लोगों पर लाठीचार्ज हुई है। और अमिताभ सर मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने उस दिन जब हम लोगों ने 10 जुलाई 2013 को पहली बार एक एसपीसीटी ने हमको मारा था उस समय आपने वो मुद्दा उठाया था, इसलिए मैं समाचार प्लस का बहुत बड़ा आभारी हूं। इसके बारे में क्या कहूं, यहां तक कि मैं सबसे ज्यादा दुखित हूं अपने बीजेपी पार्टी से जिसके प्रति हम लोगों की सहानुभूति थी और हम लोगों ने केवल इलाहाबाद में 37,000 वोटर बनाए थे। आज उन्होंने वादा किया था सीबीआई जांच का, हम लोग रोज रोते हैं लेकिन हम लोग कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आज यहां आता हूं और अपनी बातें कहना चाहता हूं माननीय अखिलेश जी से, माननीय पीएम से कि हम लोगों की बातें सुनी जाए। हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ और राज्यपाल के सबके यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जहां हम लोगों ने अपना सर नहीं झुकाया, लेकिन हम लोग कहीं नहीं सुनी जा रही है। और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं 10,000 लोगों को लेकर तो हम लोग पे लाठीचार्ज की जाती है। हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती यही है कि हम छात्र हैं। ठीक है, हम तो हमारा पंकज तिवारी जी, वही सवाल खड़ा होता है कि आखिर सीखा क्या घोटाले के बाद। एक आते हैं एनआरएचएम का हमने देखा, उसके बाद अब ये व्यापम घोटाला जो बहुत बड़ा घोटाला है, सवाल ये उठता है कि सीखा क्या उससे। नहीं सीखा तो अगर कोई अपनी गलती मानेगा और सीखना चाहेगा गायत्री जी तब न सीखेगा, सीखने का तो यही सवाल नहीं। यहां तो इन घोटालों पर पर्दा डाला जाता है। आप सोचिए कि अभी लोकसभा चुनाव के पहले गायत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सारा नेतृत्व छोटे से भी मामले पर पूरा हाय तोबा मचा देता था भ्रष्टाचार के नाम पर। 2006 से लेकर 2015 तक इस व्यापम में 47 मौतें हो चुकी हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो कि इस व्यापम घोटाले में आरोपी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो भी आपके पास है, जो भी आप आरोपी हैं, वो किसी भी चैनल समाचार प्लस के माध्यम से आइए और अपनी ओपन बात कहिए। 6 से 15, 9 साल में व्यापम घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है, ये कौन सी जात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पंकज जी ठीक, हरि श्रीवास्तव जी,
जो मूल व्यापम है ना, मूल व्यापम में राज्य सरकार के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री के निकट के लोग, उनके सचिवालय के एक बड़े अधिकारी, उनके परिवार के कुछ लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े लोग संदेह के घेरे में है मध्य प्रदेश में, जिस व्यापम ने उत्तर प्रदेश को भी दसा है। किस मुंह से वाजपेयी जी ने कहा था गोधरा के बाद कि कौन सा मुंह लेके मैं विदेश जाऊंगा, मैं आज वह उन्हीं के शब्द उद्धृत करता हूं, किस मुंह से आप कहेंगे अच्छे दिन आने वाले हैं? ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया, आधा आधा सैकड़ा आदमी कुर्बान हो गया, जिसके पास व्यापम का कोई राज था वो भगवान को प्यारा हो रहा है और सब एक ही तरह से मर रहे हैं, सबके मुंह से झाग निकल रहा है। कहा किस मुंह से जाके आप कहेंगे श्रीवास्तव जी? नहीं अमिताभ जी, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद बात है, और जहां तक सवाल सरकार का है, देखिए वहां जो भी जांच चल रही है वो कोर्ट के निर्णय से एसआईटी गठित हुई है। हरीश जी, सरकार तो खुद कटघरे में है भाई, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री उसमें संदेह के घेरे में है। जो लोग कटघरे में है, जिनके खिलाफ कुछ भी पाया गया है, वो उसकी जांच के दायरे में है। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने किसी जांच को प्रभावित किया हो अमिताभ जी, और सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ जांच तो हाईकोर्ट के निर्देशन में चल रहा है, और आज ही जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो जस्टिस, उनका बयान आया है कि जितनी भी मौतें हुई हैं इनका इस जांच से कोई लेना देना नहीं, अस्वाभाविक हो सकती हैं। आप ये बखूबी समझ सकते हैं हरीश जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, ऐसी बात मत करिए। कौन कमेटी, कौन बाबू चपरासी क्या बोल रहा है हम सुन रहे थे। एक सेकंड हरीश जी, एसआईटी के उनकी बात कर रहा हूं, रुकिए। एसआईटी मैं बता देता हूं, हमने मुंदड़ा कांड देखा, हमने जीप कांड देखा, नागरवाला कांड देखा, हमने बोफोर्स देखा जवाहरलाल से लेके और आज तक, सेंट किट्स देखा नरसिंह राव के समय में, इतनी मौतें नहीं देखी कभी। आप बता रहे हो कि एसआईटी के चपरासी ने बोला? नहीं, हम किसी बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल अपनी शर्म बेच खाई। अमिताभ जी आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लोकलाज भी बेच दी और शर्म भी बेच। अमिताभ जी आप जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ आंखों पे, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो प्रोफेसर साहब इंदौर के जिनकी दिल्ली में भी डेथ हुई, उनकी परीक्षण में क्या निकला? दवाई और अल्कोहल। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, अधिकांश मौतें मुंह से झाग निकलने से हुई, जिसमें एक पत्रकार भी शहीद हो गया। तो वो क्या सरकार ने, अमिताभ जी क्या सरकार ने झाग डाल दी? या वो झाग यही तरीके झाग डालता था हरीश जी? दो लोग अपराध, दो लोग किसी अपराध के, एक मिनट मैं बता दूं के घेरे में। हरीश जी मैं उत्तर देता हूं, आप मध्य प्रदेश में कहते हो कि सरकार ने झाग डाल दिया, और उत्तर प्रदेश में चपरासी भर्ती घोटाला में आप सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हो कि सरकार ने कापी बदल दी, सरकार ने वाइट कलर लगा के। हरीश जी अभी नहीं, एक मिनट, दो नपने मेरे शो में नहीं चलेंगे, दो नपने कटाइए भैया। अच्छा बुरा हमको बात करूंगा, मेरे लिए वो प्रश्न नहीं। एक सेकंड, मध्य प्रदेश में क्या हुआ पहले समझ ले। कोई शिवराज सिंह भाई, उनके, अरे शिवराज सिंह को भी हम जानते हैं हरीश जी, आज से नहीं 25 बरस से, छोड़ दीजिए उन बातों को। मूल प्रश्न सुनिए, मूल प्रश्न भैया, एक मिनट, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? योग्य अभ्यर्थियों के स्थान पर चोर उचक्के दलाल और भ्रष्ट लोगों को प्रवेश दे दिए गए, नौकरियां दे दी गई, यही हुआ ना मूल? संजय पंकज तिवारी, अयोध्या सिंह, यही हुआ ना? वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अंतर कहां? उसका नाम व्यापम है, इसका नाम प्रातस्मरणीय अनिल यादव है। हाँ, अंतर मुझे समझाओ। यहां भी योग्य वहां जब ये मामला हरीश जी, हरीश जी ऐसे नहीं, आप मेरे शो का फॉर्मेट जानते हैं, ऐसे नहीं होगा। अंतर कहां है? मेरे जैसे छोटे आदमी जिसकी समझ बहुत सीमित है उसके निगाह में तो कोई अंतर नहीं,
वहां भी रामलाल को नौकरी नहीं मिली जो काबिल था, और यहां भी ननकू को नौकरी नहीं मिल रही जो काबिल है। हर नियुक्ति चैलेंज हो रही है, जो आरोप जो आवाज उठा रहे हैं वो लाठी डंडा खा रहे हैं। एक नौजवान है इलाहाबाद इंडस्ट्री का, राणा यशवंत प्रताप सिंह, वो एक दिन कह रहा था कि प्रशासन मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने पे आमादा है। उसका गुनाह इतना कि उसने आवाज उठाई कि भ्रष्टाचार बंद हो, तो बोले इसको रासुका में निरुद्ध कर दो। उनका मूव शिवराज सिंह की सरकारों ने वहां किया, और मैं नहीं कह रहा, उमा भारती ने कहा, उमा भारती ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं फिर भी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कब जान चली जाए किसकी। अगर इतना भय है, और यहां भी अनिल यादव के घर के बाहर जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए थे आगरा में, उनकी पीठ नीली कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार नहीं? लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हक नहीं है? अनिल यादव किंग जॉर्ज है क्या कि भारत भाग्य विधाता है उनके बारे में कोई बोलेगा नहीं? समानता है, इसलिए मैं विषय लेके आया, समानता है। वहां शिवराज सिंह की सरकार कटघरे में है, यहां दूसरी सरकार कटघरे में, अंतर कहां है? मेधा का, प्रतिभा का, बुद्धिमत्ता का अपमान, और अक्षम लोगों को पैसे और संपर्कों के बल पर रास्ता देना, यही तो लड़ाई है ना? हाँ बिल्कुल, अयोध्या जी, अयोध्या जी यही लड़ाई है ना, यही मसला है ना? कोई फर्क है क्या मध्य प्रदेश और लखनऊ में, इलाहाबाद में? कोई फर्क नहीं सर, हरीश जी अभी नहीं, अभी नहीं आपके पास आएंगे, हरीश जी अभी नहीं आपके पास आएंगे जी। अयोध्या जी, मैं हम 15 अप्रैल को घटना में हम 9 लोगों पे 7 CLA तक लगाया गया है, ठीक है जी। और सर मैं बताना चाहता हूं कि केवल लोकसभा आयोग नहीं, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, दरोगा, टेस्ट, आप किसी मुद्दे को उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अछूता नहीं है, एक विशेष जात को किया जा रहा है। मैं आपको इंडिया टुडे के माध्यम से 2011 PCS का आपको नंबर मैंने 54 लोगों को बताया था, और मैं आपसे बता दूं 2008 लोअर का भी नंबर मेरे पास हो गया, जितने यादव हो सबको 34 से 35 नंबर दिया गया है, मेरे पास साक्ष्य है। और बता दूं आपसे कि 2014 फरवरी के बाद इन्होंने एक भी रिजल्ट नाम से और जाति वर्ग से नहीं दिया है, अब ये रोल नंबर और वो रजिस्ट्रेशन नंबर से दे रहे हैं। लोकसभा आयोग अब व्यक्ति का नाम, पता और फोटो दे रहा है, और ये पूरा भारत या पूरा विश्व जो है गोपनीयता से उसके तक जा रहा है, और ये जो है जो हम लोगों को धीरे धीरे गोपनीयता की तरफ ले जा रहे हैं, इनका हर साक्ष्य गलत है, हमारी हर मांग गलत है। मैं कहता हूं मैं गलत हूं, पत्र की छाप समझ के जितने भी आरोप लगाए हैं, मैं इस लाल गुलाबी पर्चे को मैंने बंटवाया हजारों में, मैं कह रहा हूं कि सब गलत है, लेकिन क्या इनके पास जो भी सिस्टम है उससे खुद जांच करवा ले क्या मैं गलत हूं? ठीक है, इस वक्त हमारे साथ पारसनाथ यादव जो कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारसनाथ यादव जी, मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला सामने आया है, जिसमें यूपी के जो छात्र हैं उन्होंने सालवर की भूमिका निभाई, उन पर अब लगातार छापेमारी हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ तो क्या यूपी में भी हर स्तर पर कहीं ना कहीं एक व्यापम देखने को मिल रहा है? सरकारी नौकरियों में भर्ती चैलेंज हो रही है कोर्ट में, वहीं अगर बात की जाए परीक्षाओं की तो उसमें धांधली भी सामने आ रही है। धन्यवाद भाई, जहां तक व्यापम घोटाले का सवाल है, व्यापम घोटाले में साल भर बैठाए जाते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे करके, जिसमें यूपी के नौजवानों को ले जा करके वहां एक साजिश के तहत इस तरीके के घोटाले में शामिल किया गया। आज उन नौजवानों के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके परिवार के लोग दुखी हैं। लेकिन ये बात आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी घोटाले में जो भी लिप्त हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो उसमें कहीं भी किसी प्रकार की सिफारिश नहीं करती। हमारे यहाँ की पुलिस, हमारे यहाँ के लोग अधिकारी उनका पूरा का पूरा सहयोग दे रहे हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार किसी भी हद पर हो, कहीं भी हो,
वह गलत है समाज के लिए और देश के लिए। इसलिए जो देश के लिए घातक है और लगातार इसके लिए हर लोगों ने कोशिश किया कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त हमारी योजनाएं बने, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके के लोग हैं जो ये कार्य करते रहते हैं। उसी के चलते मैं आपकी बात से ये सहमत हूं कि यूपी में भी कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पारसनाथ जी, पारसनाथ जी, सरकार उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। पारसनाथ जी, एक सवाल मेरा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा जो सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा गेटवे है, सबसे बड़ा जो संस्था है, निकाय है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में रही, अदालतों के फैसले उनके खिलाफ रहे और लगभग हर नियुक्ति और हर इम्तिहान अदालत में जाके औंधे मुंह गिरा। इससे सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है, छात्रों में आक्रोश है। ये रास्ता सरकार इस पर एक निर्णायक पहल क्यों नहीं करती? पारसनाथ जी, धन्यवाद भाई अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं इस बात से सहमत हूं कि लगातार जो आरोप लगाने वाले लोग हैं हमको उन पर भी देखना चाहिए, आपको हमको उनको भी देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं, किसके पेट में दर्द है कि चेयरमैन बनने के बाद ही कोई काम शुरू हुआ नहीं, तब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। कभी जात के नाम आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी उनकी नियुक्तियों पर ये धांधली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन समाज के लोगों को उसकाने की कोशिश हो रही है, आंदोलन कराने की कोशिश की जा रही है। जो लोग सदियों से समाज का शोषण किए हैं, तो मैं इस बात का अमिताभ साहब मैं आपका बेहद सम्मान करता हूं, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि दोनों पक्षों को देखा जाएगा तो ये जो बातें कही जाती है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रति उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें किसी पर बात का दम नहीं है कि कोई गलती हो रही है। पारस जी, पारस जी, पारस जी, पारस जी, आपके संज्ञान में मैं दो बिंदु लाता हूं, आपके संज्ञान में दो बिंदु लाता हूं। लोग क्या कहते हैं छोड़ दे, राजनीतिक दल क्या कहते हैं छोड़ दे, अपन ये देखे अदालतों का रुख क्या है। एक परीक्षा हुई, उसके परिणाम आए, अदालत में चैलेंज हुई, अदालत में कॉपियां तलब की गई, पता लगा कॉपियों पर सफेदी लगा लगा के चेंज कर दिए गए नंबर। अदालत ने कहा जिन जिन कॉपियों में हेरा फेरी हुई उनको सबको डिबार करो भाई, तो फर्जी वाला है। हाई कोर्ट ने कहा किसी पार्टी ने नहीं, व्यक्ति ने नहीं, संस्था ने नहीं, जाति ने नहीं। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, अभी कल परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इनके अध्यक्ष के अधिकार सीज कर लिए जाए, ये पात्र नहीं है इस बड़ी कुर्सी के लिए। ये सब चीजें क्या सरकार की छवि को प्रभावित नहीं करती? पारस जी, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो भी प्रभावित होता है। जब अदालतों की ऐसी टिप्पणियां आती हैं तो सरकार की प्रतिष्ठा पर भी आ जाती है ना पारस जी, छवि पर भी। मैं इस बात को सहमत हूं क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि है। जब संविधान को बनाने वाले लोगों ने जो तीन पिलर बनाए थे उसमें हमारी न्यायपालिका को सबसे अधिक सम्मान देते हुए स्वतंत्र बनाया था, इसलिए न्यायपालिकाओं से किसी प्रकार की टिप्पणी होती है या किसी प्रकार की जानकारी दी जाती है तो उसमें यकीन विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को भी आपसे कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में भी हमारे आपके बीच के लोग आज पर वहां जा रहे हैं और जिस तरीके से न्यायपालिकाओं में जाकर के लोग अपने मन से कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी हमारी ये चीजों पर असर पड़ रहा है। और मैं आपकी बात से इतना सहमत हूं कि हमारे कामकाज में उत्तर प्रदेश की सरकार, नौजवान मुख्यमंत्री अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से लगातार जो कार्य कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जो सपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का, उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी यह बात से मैं सहमत हूं
कि कुछ ऐसी टिप्पणियां लोग पैदा करने की कोशिश किया है, न्यायपालिका के तरफ से आया है, तो इसको जांच का विषय है, इसको देखना पड़ेगा। हम इन टिप्पणियों को करने की कोशिश करेंगे। पारस जी, कोई नौजवान मंत्री इनको दूर करने की, ठीक है, एक सवाल मेरे पास है, फिर ब्रेक पे जाएंगे, उस पर आपसे उत्तर ले ले। कोई नौजवान मंत्री होता तो ये सवाल मैं नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा हूं। आपने एक लंबा जीवन जिया है राजनीति में, भारत की राजनीति लोकलाज से चलती रही, और लोकलाज से बड़ा कोई इजलास नहीं, कोई अदालत नहीं। एक सरकारी आदमी जिसके चलते प्रदेश भर में बवाल हो, सड़कों पर टकराव हो, अदालत प्रतिकूल टिप्पणियां दे लगातार, उस व्यक्ति को क्यों रखा जाए? उसकी जगह रामलाल की जगह श्यामलाल आ जाए, वो अपना काम करेगा, श्यामलाल विवादित हो उसको हटाए, हम हीरालाल को रखे। एक ही व्यक्ति पर विवाद क्यों खड़ा करने दे, ऐसा अवसर ही क्यों दे कि विवाद खड़ा हो? ये नहीं सोचते क्या हम लोग पासनाथ जी? भाई अमिताभ जी, आप जो बात कह रहे हो ये लोक लाज की बात कर रहे हो, ये हकीकत अकाद सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति अगर डरता नहीं तो ये देहाती का हो, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा है अगर आपको डर नहीं है तो लाज होनी चाहिए। इधर लोक लाज की जो बात आपने कही ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन लोक लाज की जो आड़ में हम किसी बात को बिगाड़ने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो हम सरकार की तरफ से आपको स्पष्ट आश्वासन देना चाहते हैं, हम इसको देख रहे हैं और इस बात को आपके कहे हुए कार्यों को लेकर के यदि ये बात सही निकली तो वो ही बात होगी जो आपकी मंशा है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी, सरकार छवि खराब होने नहीं दी जाएगी। आप कहना है कि हीरालाल नहीं तो श्यामलाल, अब मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, करना चाहिए भी, सरकार भी देख रही है छानबीन करके कि कहीं इस तरीके की टिप्पणियां जो आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें दम है, उसके अनुसार हम कार्रवाई करने में हिचके के नहीं। हमारा मुख्यमंत्री इस पर एकदम स्पष्ट तौर से निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो अगर गलत कर रहा है तो उसको हक नहीं है उस पद पर आने का और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक बात है, ठीक, हम इंतजार करेंगे। पंकज तिवारी जी, पारसनाथ जी ने एक बात जरूर अच्छी कही जिसका मैं स्वागत करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार आंख बंद नहीं किए, हम देख रहे हैं और इस बात से सरकार सहमत है कि रामलाल हो या श्यामलाल हो, विश्वसनीयता सबसे जरूरी है। हम भी प्रतीक्षा करेंगे, देखें निर्णय क्या आता है। लेकिन पंकज जी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब तक जो लाखों परीक्षार्थियों के साथ हो गया उसकी भरपाई कैसे होगी? पंकज तिवारी, 2011 में ये बर्खास्त हुए और 2013 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। अमिताभ जी, जी जी, 13 के बाद आज 15 हो गया, कब तक इंतजार करेंगे मंत्री जी ये नहीं मालूम। अब इंतजार करते करते एक वर्ष बीत जाएगा, अभी इंतजार मंत्री जी का एक साल और चलेगा, उसके बाद चुनाव आ जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। अमिताभ जी बता दें कि दो प्रोफेसर थे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में, पंकज राय और केडी सिंह, इन दो को तो दो दिन के अंदर इस्तीफा ले लिया गया और आज तक ये नहीं बताया गया कि इस्तीफा क्यों दिया गया, ये बता रहे हैं। और एक विजय रावत, ये यादव जी हैं लेकिन विजय रावत लिखते हैं, इनका इस्तीफा नहीं लिया गया, सेम डे नियुक्ति थी, कोई भी चार जगह माध्यमिक शिक्षा कि उसमें था तो इन तीनों का इस्तीफा लेना चाहिए था और इनका तो बगैर कारण बताए इस्तीफा ले लिया गया। और एक चीज और बता दें कि कुल ओबीसी आरक्षण का अंतर भी 156% केवल एक वर्ग विशेष का आरक्षण है। ऐसा क्या है कि मतलब सारे आरक्षण में केवल एक ही वर्ग विशेष का? मेरा 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 सवाल आज भ्रष्टाचार बड़ा है। मेरा सवाल यह है, कॉपी में व्हाइटनर लगा के रिजल्ट कैसे चेंज हो रहा है? यही व्यापम है, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे वो भोपाल में हो। एक सेकंड, हरीश जी, सरकार ने जो
भरोसा दिलाया है सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने, आपको उस पर कुछ यकीन जमता है? अमिताभ जी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं जमता। पारसनाथ जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और वो बात कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी बात है, लेकिन ये सारी चीजें बिजबिल होती हैं। जब सरकार की नीयत साफ होती है तो वो भी साफ दिखती है। आखिर फिर जो बच्चे जो परीक्षा दिए और जिनके साथ अन्याय हुआ, वो अगर कोई बात कह रहे हैं, अगर सरकार की नीयत साफ है तो उनकी बात पे जो मेरिट हो उनसे बात करके, बजाय इसके कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाते जाएं, बजाय इसके कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, उनके साथ बात करके और मुख्यमंत्री जी या कोई वरिष्ठ मंत्री या कोई चीफ यहाँ का चीफ सेक्रेटरी उसकी बात को सुन लेता, उस पर मेरिट वाइज अगर जो चीजें मेरिट पे थी उन पर विचार करके उसका निर्णय करता। ये तो बात टालने वाली है कि हम तो किसी को संरक्षण देना है, किसी का बचाव करना है तो हम कोई बात कह रहे हैं। वो माननीय जी, माननीय मंत्री जी की अपनी बात है, वो कह रहे हैं। ठीक है हरीश जी, हरीश बाबू ठीक है। अयोध्या सिंह जी, आप मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं जी, आपको यकीन आता सरकार के वादे पर? एकदम नहीं सर। कारण बताइए, हम मंत्री जी को बताइए कारण। हम बताना चाहते हैं, हम लोग 37 बार अभी तक लाठी खा चुके हैं। इस समय मेरे ऊपर हम 9 लोग, उसमें 9 लोगों पे 7 CLA लगी हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, कोई छात्र अपराधी होता है वो भी सिविल का छात्र, और मैं आपसे बता दूं 2008 लोअर में मुझे केवल 18 नंबर इंटरव्यू अनिल यादव ने दिया था, क्योंकि मैं इस मोर्चे का, इस प्रौद्योगिकी छात्र संघ समिति का अध्यक्ष हूँ, मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैंने कौन सा पाप किया था? और मैं आपसे बता दूं कि मैं एक विशेष जात के सिलेक्शन से मैं नहीं दुखी हूँ, दुखी मैं हूँ पैसाबाद से, भ्रष्टाचार से, अकुंठा से। मैं नहीं, लगभग 35,000 लड़के 15 जुलाई 2013 को उठे थे, और जब भी मैं निकला हूँ तो 15 से 20,000 लड़के मेरे साथ सड़क पे उतरे हैं। तो पीड़ा एक की नहीं है, हजारों की है। और मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं हर बुद्ध पर हमको तोड़ा जाता है? इनके प्रशासन वाले घर से लेके मेरे घर को प्रशासन किया जा रहा है। ठीक है, अभी आपकी बात आई, मैं मंत्री जी से आप सबके सवाल मैं आपकी तरफ से रख दूं। पारसनाथ जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, 2011 में मौजूदा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे, वो अदालत द्वारा बर्खास्त किए गए कतिपय अनियमितताओं के चलते, विसंगतियों के चलते उनको बर्खास्त किया गया, निलंबित नहीं। बर्खास्तगी बड़ी बड़ा बड़ा पनिशमेंट होता है। फिर ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए चुना क्यों गया, जिस उत्तर प्रदेश की जिस बड़ी कुर्सी पर तमाम महान विभूतियां बैठी, वहां एक बर्खास्त आदमी को लाया क्यों गया? एक दूसरा मेरा प्रश्न, अदालतों की टिप्पणियों पर संज्ञान क्यों नहीं? हाईकोर्ट की टिप्पणियों का संज्ञान लेना ही चाहिए किसी भी व्यवस्था को। और तीसरा मेरा प्रश्न, मैं उस पर भी उत्तर चाहूंगा आपसे, जितना नुकसान बच्चों का हो रहा है, क्या हम लोगों ने आंदोलन देखे? जयप्रकाश जी का आंदोलन देखा, इंदिरा गांधी का दमन देखा, ऐसी परिस्थितियां देखी, पुलिस के मुकदमे देखे, क्या ये बच्चे मुकदमों के लिए हैं? इन पर रासुका लगाई जाएगी जो धरना प्रदर्शन करेंगे? ये लाठियों से बस बात होगी क्या? सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए, जिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर रासुका जैसी धाराएं लगाने की बात की गई, जघन्य मुकदमे लिखाए गए, सरकार को उनको विड्रॉ करना चाहिए। पारसनाथ जी धन्यवाद। भाई अमिताभ जी, आपने 3 सवाल किया है और आपके सवाल बहुत सीधे हैं। पहला सवाल तो अनिल यादव को लेकर के आपने किया कि ये बर्खास्त कर दिए गए, और बर्खास्तगी के बाद इतने बड़े पद पर इनकी नियुक्ति क्यों की? ये बात आपके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बर्खास्तगी का अलग इशू है, अलग विषय है, क्या कारण था क्यों बर्खास्त हुए, और नियुक्ति अलग इशू है। किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज के लिए कह दिया जाए कि ये दोषी है, तो उस दोष को मान करके उस व्यक्ति को कहीं स्थान न देना, ये भी सही नहीं है। लेकिन दोष से धोने के बाद ही तो सजा मिलती है पारसनाथ यादव जी। अमिताभ जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए जी। वो आज भी
जो उस कुर्सी के लिए सही हैं और इसीलिए उनको कुर्सी पर बैठाया गया है। और अगर उनके द्वारा कोई गलत कार्य किया जा रहा है, आज मैंने पहले आपसे कहा कि हमारी सरकार देख रही है, और अभी भाई पंकज तिवारी जी ने कहा कि 2 साल बीत गए और क्यों इन्हीं को ले आकर के फिर बर्खास्तगी के बाद लाया गया। भाई पंकज तिवारी जी, इस तरीके से दर्द आप लोगों को नहीं होना चाहिए। समाजवाद में कोई ऐसी गलत नीयत नहीं है कि हम जात के नाम पर किसी चीज को बैठा रहे। हमारी कोई योजना ऐसी नहीं है। आप देख लें सरकार जो योजनाएं चला रही है हर वर्ग हर जात के लिए, इसलिए समाजवाद के इस उद्देश्यों को लेकर के अगर किसी को बैठाया गया है तो वो अगर गलत कार्य करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और भाई अयोध्या सिंह जी ने कहा कि लाठियां खा रहे हैं वो कर, कानून बिगाड़ने का हक किसी को नहीं। कोई बैठ करके मंच बने हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर कहीं गलत हुआ है तो आप उसको जो सही प्लेटफार्म है पारस जी, लेकिन लेकिन छात्रों पर ये बड़े बड़े कानून तो नहीं है। छात्र भी हमारे आपके घर के हैं, छात्रों के लिए भी है। छात्र आंदोलन करें, शांत भी आंदोलन करें, छात्र अपनी बात कहे, सरकार सुनने के लिए तैयार है। लेकिन छात्र अगर जो है लोगों को राह चलने, एक मरीज अस्पताल नहीं पहुंचने पाएगा, मरीज मर जाएगा रास्ते में, और हमारे सरकारी संपत्तियों का तोड़फोड़ होगा तो उनके ऊपर कानून नहीं लगेगा, उनके ऊपर राशुका नहीं लगेगी, आखिर कैसे बंद होगा? यही सब व्यवस्थाएं है। केवल एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जो मनसा आपकी है व्यवस्था में गड़बड़ियों को लेकर के, व्यापक घोटालों को लेकर के, जो मध्य प्रदेश में जहां तक यादवों का सवाल का बात कोई कहता है, अब आईएएस में तो आ गए 39 यादव, और वो केंद्र सरकार ने उसकी परीक्षा कराई, वहां कौन उत्तर प्रदेश का हाथ है? तो जब हम इस बात को मानते हैं समाजवाद में कि समाजवाद में कोई संजय तिवारी, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप सवाल उठा सकते हैं। पारस जी, पंकज तिवारी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। पंकज मंत्री जी, अगर अयोध्या सिंह का आंदोलन समाज को खतरा पैदा करता है तो अखिलेश जी के नेतृत्व में लखनऊ में इनके जैसे कई प्रदर्शनों का नेतृत्व नेताजी ने और अखिलेश यादव ने किया है और उसमें भारी तोड़फोड़ हुई है, इसका मतलब उस समय के वो भी अपराधी थे? ऐसा नहीं है, ऐसे ही आंदोलनों का नेतृत्व माननीय नेताजी और अखिलेश यादव ने इसी लखनऊ की राजधानी में किया है, तोड़फोड़ भी की है। अखिलेश के उसी आंदोलन के चलते एयरपोर्ट पर उनको उठा लिया गया था, उस समय उनके गर्दन पर, हमारे एक आंदोलनकारी के गर्दन पर पुलिस की बूट और जूते पड़े थे, उसकी फोटो अगर आप देखेंगे तो गर्दन पर दबाने का काम किया गया था, और जेलों में जूता गया था, और आंदोलन अखिलेश दिल्ली से आ रहे थे और एयरपोर्ट पर उनको उठा करके जेलों में ले जाया गया था। यह जो सरकार थी उसने भी यही किया था, जो आज सरकार कानून को रोका, जितना उत्पीड़न उस समय उस वक्त आपने सरकार के उस निर्णय की आलोचना की थी, तो आज सरकार का निर्णय सही कैसे ठहरा दूं मैं? उस वक्त आपने उस सरकार के निर्णय की, मायावती सरकार के निर्णय की आलोचना की थी। पंकज एक मिनट, मुझे याद है लोकसभा में नेताजी ने प्रश्न उठाया था, मैं था लोकसभा में, उन्होंने सवाल उठाया कि इमरजेंसी लागू कर दी गई उत्तर प्रदेश में, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया, ये मसला उठा था, समाजवादी पार्टी बेल में आई थी लोकसभा के भीतर, सदन स्थगित हो गया था, इसी मुद्दे पर आलोचना हुई थी, अगर वो आलोचना सही थी तो आज सरकार के कदम के समर्थन कैसे हो जाए फिर? पारस जी, आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी सोच का विशेष सम्मान करता हूं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं वह उत्पीड़न और इस उत्पीड़न की तुलना आप कर ले,
आपके ही ऊपर छोड़ते हैं। आज उत्पीड़न नहीं, जब कहीं किसी प्रकार के प्रशासनिक लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तब वहां कोई काम होता है। इसके बावजूद भी हमारा मुख्यमंत्री निगरानी रखता है कि अगर किसी के बच्चों के साथ या किसी जनता के साथ अगर जाती हुई तो हम अधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कानून के बारे में हर काम करने की कोशिश हो रही है। आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि उसकी तुलना इससे मत कीजिए। वो जो सर ठीक है अयोध्या जी अयोध्या जी जी सर, इन्होंने अभी कहा कि 39 आईएएस हुए यादव, मैं बता दूं 29 हुए हैं, 1236 के 2.3% केवल यादव हुए हैं आईएएस में, सॉरी यूपीएससी में, और यहाँ 63% यादव सिलेक्शन हो रहा है। सर मेरे पास आंकड़े हैं, जब चाहेंगे तब मैं उठा के दे दूंगा आपको। दूसरी बात, आपने कहा अभी कि लाठीचार्ज की बात, हम कह रहे हैं 15,000 लड़के एक भी जब तक लाठीचार्ज नहीं हुई है, कोई सभी लोग बैठे हैं, पानी पिए, कुछ भी कोई नहीं किया, गाली तक नहीं दिया है। और आप वीडियो मंगा के पुलिस प्रधान से देख लीजिए, और उसके बाद सेबल सेले क्यों लगाएंगे मैं पूछना चाहता हूं। मंत्री जी बुजुर्ग है, मेरे पिता समान है, मुझे उत्तर देने के मैं अपराधी हूं, या मेरे जो छात्र हैं जो सिविल का छात्र अपराधी है, जितने अपराधी घूम रहे हैं और हम लोगों पर लाठीचार्ज की जा रही है जी। आप कह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं जी, आपका बेटा मैं होता तो आप मेरे साथ लाठीचार्ज। जवाब सुने अयोध्या जी, जवाब सुने, जवाब सुने, समय कम है भाई। अमिताभ जी या अयोध्या जी का मैं बेसम्मान करता हूँ, इन्होंने मुझे बुजुर्ग कहा तो ये हमारे जूनियर हैं, हमारे सीनियर नहीं, मैं इनका सम्मान मैं भी करता हूँ। इनकी जो बातें कही गई है कि रासुका लगाया जा रहा है, रासुका में केवल उस आंदोलन से नहीं लगाया गया, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी देखी गई कि प्रीवियस हिस्ट्री इनकी क्या है, और प्रीवियस हिस्ट्री के अनुसार कोई भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके के जो हमारे कानून बने हैं उस कानून का वो कार्रवाई की जाती है। ऐसे नहीं केवल एक आंदोलन कर देने से किसी के ऊपर रासुका लगाया जाए, ये जांच का विषय है। जांच में ये बात अगर गलत निकलेगी कि ऐसे लोगों ने जो रासुका लगाया है तो रासुका लगाने वाले के खिलाफ हम उसको भी नहीं मानते। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अयोध्या जी, आप उसके लिए दुखी ना हो, सरकार इस पर निगरानी रख रही है, और अगर गलत हुआ होगा तो उसको देख करके उसको खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। आगे हरी जी आगे, अयोध्या जी आगे बात आगे, दोस्त समय कम है, शो वाइंड अप करना है, उसकी एक सीमा है। इस पूरी बहस में दो तीन चीजें बड़ी साफ निकल के आई। एक बात तो मैं अपने दिल की बात कहूं राजनीति से हटके, मुझे तो ना इस न मेरा कोई मित्र न मेरा कोई शत्रु, मैं पारस बाबू से एक बात जरूर कहूंगा अपने दिल की, पारसनाथ जी बाकी लोग क्या कहते छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको यह ध्यान देखना चाहिए कि लोहिया ने क्या कहा था और जयप्रकाश ने क्या कहा था। यह अगर हम बोलने और प्रदर्शन करने की आजादी नहीं देंगे तब लोकतंत्र बंध्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। लोहिया ने कहा था सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद और विधानसभा क्या हो जाती है, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, अवमानना हो जाएगी। वो लोहिया जैसे बड़े कद का नेता कर सकता था, मैं नहीं करना चाहता। हम अपने नजर और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमने देखा है पुलिस का दमन, हर छात्र के ऊपर मुकदमा ठोक दो, और पारसनाथ जी आपने भी इसको झेला होगा, हम लोगों ने देखा है कैसे पुलिस का अत्याचार होता है। मैं आग्रह करूंगा इन मामलों को दिखवाइए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई अनिल यादव की मुखालफत करना राष्ट्रद्रोह है क्या, या अनिल यादव पैगंबर है कि उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं होगी, और जो टिप्पणी करेगा उसको जेल भेज देंगे, ये ठीक नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं तो कह रहा हूं छोड़ो अयोध्या सिंह क्या करे, पंकज क्या करे, हरीश बाबू क्या करे, पारसनाथ जी मैं तो आपके हित की बात कहता हूं, चुनाव लड़ने ये नहीं जाएंगे लोक सेवा आयोग के बाबू चपरासी, चुनाव लड़ने समाजवादी पार्टी जाएगी, गांव में सवाल होगा, शहर में सवाल होगा। जब पूरा गांव एक बात कहने लगे तो राजा को सोचना चाहिए, राजा को सोचना चाहिए, अगर अदालतें एक साथ बात कहने लगे तो सोचना चाहिए कि कहीं दाल में काला है, कहीं गड़बड़ियां हैं। और रही बात सामाजिक न्याय की, मैं कहता हूं, मैंने एक बार समाजवादी पार्टी के बहुत शीर्ष नेता को कहा भी था, आप चाहे जिसको बना दो अध्यक्ष,
लेकिन अगर प्रदेश की बड़ी आबादी को इस अध्यक्ष पर भरोसा नहीं रहा तो इसको हटा दीजिए, दलितों में से बना दीजिए, पिछड़ों से बना दीजिए, अखिलेश से बना दीजिए, स्वागत है, लेकिन निर्विवाद व्यक्ति होना चाहिए। पारसनाथ जी, कहा गया है शास्त्रों में राजा को संदेह से परे होना चाहिए। ये लोक सेवा आयोग का राजा है, ये वो फैक्ट्री है जहां से उत्तर प्रदेश चलाने वाले निकलते हैं, उस फैक्ट्री का चौकीदार संदेह के घेरे में नहीं होना चाहिए। और एक निवेदन और मैं करूंगा सरकार से, आपने कहा उनकी बर्खास्तगी का मसला अलग था, केंद्र में सतर्कता आयोग का अध्यक्ष जब चुना जाता है तो इस बात की देखा जाता है। एक आईएएस अधिकारी थे कर्नाटका काडर के, ये केरल काडर के, मैं नाम भूल रहा हूं, उनका मामला तय हो गया, लेकिन एक बार बहुत पहले जवानी के दिनों में जब वो कहीं कलेक्टर थे किसी छोटे मोटे घोटाले में उनका नाम आ गया था तो वो फाइल रिजेक्ट हो गई। इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी उस आदमी पर नहीं दी जा सकती जो प्रसाद चुरा के भागा हो कभी। ये गरिमा का सवाल है, जो आदमी कॉलेज नहीं चला पाया उसको हमने सूबे के भर्ती का सबसे बड़ा संस्थान चलाने को क्यों दिया? क्या प्रदेश में प्रतिभाओं का अकाल है? ये मैं फिर कहता हूं, इन बच्चों की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, यह वर्तमान जो अध्यक्ष है, यह और इनकी टोली उत्तर प्रदेश का चेहरा दागदार कर रहे हैं। अदालतों की टिप्पणियां सामने, भाजपा क्या करी मैं यकीन नहीं भी करूं, बसपा क्या करी यकीन नहीं करूं, कांग्रेस क्या करी यकीन नहीं करूं, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस जो कहते हैं मुझे सुनना, मुझे यकीन करना होता है। वो कानून के दायरे में रहकर टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणियां देखिए कैसी आ रही है। मैंने बहुत लोग देखे इमरजेंसी से लेकर आज तक, बहुत सारे अधिकारियों को देखा जिन्होंने सरकारों को कलंकित कर दिया और चुनाव में नुकसान हो गया और उसके बाद बाबू तो हाथ झाड़ के खड़ा होकर निकल लिया। ये परिस्थिति निर्माण हो रही है, क्यों अड़े? लोकतंत्र तो लोकराज से चलना चाहिए, अदालत के निर्णय से चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी व्यापम जैसी स्थिति नहीं बने, मध्य प्रदेश का व्यापम भाजपा के चेहरे को काला कर गया। मैंने शुरुआत में कहा था पारस बाबू आप नहीं जुड़े थे कि वाजपेयी जी ने गोधरा के दंगे के बाद कहा था कौन सा मुंह लेके मैं विदेश में जाऊंगा। मैं आज फिर कहता हूं मध्य प्रदेश के व्यापम के बाद कौन सा मूल्य के भारतीय जनता पार्टी देश को बताएगी कि हम अच्छे दिन लाएंगे? वैसी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में नहीं बने, इस बात का ख्याल रखिए। आगाज अच्छा नहीं है, हवाएं अच्छी नहीं है, गंध अच्छी नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग से ये बात मैं बताने आया हूं। अभी समय है, जागिए, सारे बच्चे हमारे हैं, पूरे सूबे का नौजवान हमारा है, वो पार्टियों में नहीं बढ़ सकता, हमारे घर के बेटे हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रतिभा को सम्मान मिले, जो श्रेष्ठता की उत्तरजीविता, जो प्रतिभाशाली है वो नौकरी पाए। अगर यही सिद्धांत शिवराज सिंह के यहां माना गया होता तो व्यापम नहीं होता, उत्तर प्रदेश में माना जाता तो अनिल यादव नहीं होते। सिर्फ ये कहने आया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।